ये तस्वीरें दिल्ली के बादली विधानसभा इलाके की हैं। इसी इलाके में पूरी दिल्ली का कचरा भी जमा होता है। यही वजह है कि बादली विधानसभा में हर तरफ गंदगी का अंबार है। कांग्रेस के देवेंद्र यादव यहां से विधायक हैं, जिन्होंने 2008 में बीएसपी के अजेश यादव को 13,600 वोटों से हराया था। स्लम एरिया होने के कारण अनऑर्थराइज्ड कॉलोनी को ऑर्थराइज्ड कराना, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन जैसी कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सीवेज की है। सीवर नहीं पड़े हैं, अंदर गलियां सब ऐसे ही पड़ी हैं। 3 को तो डेंगू हो चुका हमारा। रोड, पानी, सीवेज, जिसको आज मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हमने उसमें सुधार किया है। विधायक की माने तो बादली में विकास हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें विधायक के दावे पर सवाल खड़े करती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं बिजली, पानी, सीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम का जो पारा है वो थोड़ा जरूर नीचे है, ठंडा है मौसम। लेकिन बादली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इस वक्त एबीपी न्यूज का काफिला पहुंचा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, यहां पर सियासी पारा पूरे चरम पर है। सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। बादली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर 1,95,000 के करीब मतदाता है। कांग्रेस का यहां पर शासन है और कई तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर। जब हम भी इस इलाके में आ रहे थे तो सड़कें बहुत ज्यादा टूटी पड़ी थी बारिश की वजह से। अब इसे दुर्भाग्य कहेंगे विधायक का कि जिस दिन एबीपी न्यूज का काफिला यहाँ पर आया, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई थी, बारिश ने शायद पोल खोल दी। चर्चा करेंगे, 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से मेरे साथ MK शर्मा है, इसके अलावा मेरे साथ राजेश यादव है बीजेपी से, इनसे बात करेंगे। साथ ही जगदीश जैन है कांग्रेस से, जो कांग्रेस से विधायक है वो नहीं आ पाए। लेकिन जगदीश जी, पोल खुल गई आज के दिन, हम लोग भी आए हैं, बहुत बुरा हाल है सड़कों का, गंदगी का अंबार लगा। कांग्रेस की कभी पोल नहीं खुल सकती, ना खुलेगी। जो विकास की है, हमारे विधायक जी ने एरिया के अंदर जो विकास कार्य किए हैं, ये बारिश के आगे तो कुछ की किसी की नहीं चल सकती। जो कार्य विधायक जी ने किया है, आज तक किसी विधायक ने काम नहीं किया। पोल तो खुल गई ना, हम देखते आ रहे, बहुत बुरा हाल है, गंदगी का अंबार सड़कें। सर वो MCD का काम है, सफाई हमारी कांग्रेस की नहीं है, वो MCD का है। MCD के अंदर बीजेपी है, बीजेपी की पोल खुली है, ना कि कांग्रेस की। आपकी पोल खुल गई क्या? ऐसा है, विधायक गायब है, 4.5 साल से विधायक गायब है, वो दिखा नहीं है। क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है, सड़कें बनी नहीं है, गलियां बनी नहीं है, नालियां बनी नहीं है, क्षेत्र की जनता ढूंढती है। नारियल फोड़ विधायक है और कैमरे से एबीपी की न्यूज से भी वो छिप रहा है। उसके समर्थक यह हंगामा कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी फैला रहा है। यहाँ का विधायक क्रिमिनल है, अपराधी है, उस पर 23 मुकदमे दर्ज है। अच्छा, एक मिनट, बात करेंगे हम, सबके पास में आऊंगा। एक मिनट सर, एक आरोप है, नारियल फोड़ विधायक है, दिखता नहीं है। कभी भी वादा झूठा नहीं किया, ये काम बीजेपी का है, झूठा देवेंद्र यादव जी ने कभी भी आज तक झूठे नारियल नहीं फोड़े। पहले काम चालू होता है, नारियल बाद में फूटता है। विधायक जी ऐसा ईमानदार और खानदार परिवार का है, आजकल जो नारियल फोड़ते हैं वो बीजेपी का है। और नहीं, यहाँ के चुनाव जीतने के बाद अपने घर पर बैठ जाते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे कर जाते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी से भी हैं, उनका सर आपको क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई? हमारे भाई कांग्रेस वाले पहले से चुप रहे हैं, बात को सुने। हमारे कांग्रेस विधायक जो है नारियल फोड़ने का काम करते, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। दूसरी बात, और स्कूलों में जाकर सारे स्कूलों को चेक किया जाए, ना उन्हें पंखे हैं, ना उनमें टीचर हैं। स्कूलों में टीचर भी नहीं है, स्कूलों में पंखे भी नहीं है। और एक पार्क का 3 बार उद्घाटन हो चुका है, एक पार्क का, और 40 साल से कांग्रेस का राज है, आज तक एक शमशान घाट भी नहीं बना सके वे, और इसे फालतू क्या बनाएंगे वे? और कौन से मुद्दे हैं सर? ऐसा है, अनऑथराइज कॉलोनी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अनऑथराइज कॉलोनी में कुछ नहीं हुआ। चुप। कांग्रेस के लोगों ने काम नहीं किया है। यहाँ पर पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, चलिए आपके पास आ रहा है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, जब से बीजेपी का
बीजेपी का निगम पार्षद आया, इन्होंने मकान तोड़ने का काम किया, मेरा मकान तोड़वाया, 1,00,000 रुपया मांगा। हर मकान पे बीजेपी के काउंसिलर, हर मकान पे बीजेपी के काउंसिलर 50,000 रुपए ले रहे हैं, मकान बनाने के 50,000 रुपए। इस विधायक से आप पूछ सकते हैं कि विगत 5 वर्षों में ये विधायक कहाँ है, आज तक पूरे भलसुआ जहांगीरपुरी में विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया है? आज जब यहाँ पे बात आई है, विधायक यहाँ से नजर भाग गए, यहाँ से ये धनबल की राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया। पिछले 5 साल से जहांगीरपुरी की जनता बहुत दुखी है, अपने आप को ठगा महस कर रही है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार फैलाया है, बीजेपी और कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार फैलाया है। इनको लोगों की और जनता की कोई सुध नहीं आई है, ये केवल अपना भ्रष्टाचार देखते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। भलसुआ जैसे कॉलोनी चारों तरफ पानी में डूब जाती है, लेकिन ये नहीं देखते, ये केवल भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ये डिबेट हो रही है, कोई तमाशा नहीं, भाईचारे प्यार से चलने दो। जहांगीरपुरी के अंदर पानी की समस्या थी, यूजीआर कांग्रेस पार्टी ने बनवाया, मगर स्कूल के अंदर कमरे विधायक देवेंद्र यादव ने बनाए हैं। पानी के बिल कांग्रेस पार्टी ने माफ किए, मालिका ने 5 साल का मुर्दाबाद पूरी जहांगीरपुरी में देवेंद्र यादव ने एक भी काम नहीं करवाया आज तक, 4.5 साल तक पूरी जहांगीरपुरी में एक दिन भी नहीं आया, और आज कहते हमारे को वोट दे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री?